हेलो सो हम लोग देख सकते हैं हम लोग मिलिट्री कैंप में हैं। कल एक्चुअली हम लोग यहाँ आए थे। टुडे इज़ द डे टू ऑफ आर कैंप। सो डे वन में बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें हुई। कल ही हम लोग यहाँ पर आए थे, उसके बाद हम लोग को यूनिफॉर्म दिया गया। वी आर इंट्रोड्यूस टू एवरीथिंग हेयर, लाइक हाउ टू लिव इन टेंट, हाउ टू वेक अप अर्ली, एवरी इंस्ट्रक्शन वॉज गिवन यस्टरडे इवनिंग। देन उसके बाद आज डे टू हो चुका है। डे टू में फर्स्ट एक्टिविटी हमारे थोड़ा वार्म अप एंड अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज था। देन वी हैड आर ब्रेकफास्ट। Then now I am here wearing this uniform. जो भी डे वन का था वो सारी क्लिप्स में आगे अटैच्ड कर दूंगी। These are the tents where we were supposed to live for the next 6 days. This is the camp area, and this area was different for girls and boys. After this, we were told to collect our bed sheets, pillow cover, and all the utensils and uniform that we all will be going to use for the next 6 days. And for the same, we all are standing in a queue. क्या क्या मिला है तुम्हें? हमको मिला है चादर, कपड़े और खान पीन का सामान, खाने पीने का। इसके बाद बस हम लोग कोशिश कर रहे थे इन टेंट्स में सेटल होने के लिए। इतना सब करते करते फिर लंच का टाइम हो गया था, एंड वी वर वॉशिंग आर यूटेंसिल्स एज ऑल दीज वर्क वी हैव टू डू बाई आर ओन इन दिस ट्रेनिंग, एंड वी वेंट फॉर द लंच। देन लंच के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया।
थोड़े से रेस्ट के बाद हम लोगों को बोला गया था शाम को 4 बजे कैंप के बाहर असेंबल होने के लिए। एंड यहाँ पे अगर आपको बोला है कि 4 बजे असेंबल होना है देन इट शुड बी 4। अगर आप उससे लेट हुए तो यहाँ का गेट बंद हो जाता था। एंड देन यू हैव टू डू फ्रॉग जंप। After reaching the ground, we saw the dog show. That was really very good. And there were many more trained dogs in this camp. और उसके बाद शाम को हमने की अपनी बचपन की यादें ताज़ा और हमने बहुत सारे गेम्स खेले। रात में हम लोगों ने किया डिनर। उसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि हम लोग अपने टेंट आते ही सो गए। देन दिस वॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज रहे थे एंड वी हैव टू असेंबल एट 5:45 आउटसाइड अ कैंप। सो सभी लोग उठ चुके थे एंड दिस वॉज द वॉशरूम दैट वी वर यूजिंग। इट वॉज क्वाइट गुड एंड हाइजीनिक। फिर उसके बाद सभी लोगों ने 5:45 पे बाहर असेंबल करना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज अगेन वी ऑल नो इफ़ वी वुड बी लेट वी वुड बी गेटिंग सम पनिशमेंट फॉर श्योर। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेस। मॉर्निंग एक्सरसाइजेस के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट जिसमें था आलू पराठा एंड दही। दिस वॉज द डे 2। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों को यूनिफॉर्म पहन के ग्राउंड जाना था परेड प्रैक्टिस के लिए। After the parade practice, we came back to our tent, we changed our uniform and we all moved towards the hall. Yeah, YouTube pe aayega. Hi. Haan aayega. Yay! Sunday ko live streaming. Yeah, humne military life ke upar ek documentary dekha jiske baad hum log apne tent chale gaye, lunch kiya aur fir 1 to 4 hamara rest time tha. दोपहर को रेस्ट करने के बाद अगेन इवनिंग में हम लोग ग्राउंड में थे जहाँ पे ये बहुत ही क्यूट सा डॉग था जिसके साथ हम सब ने खूब खेला।
after following the same morning routine, this was the first activity of day 3, which was shooting. In the evening, we went to the herbal garden where we came across many medicinal plants. शाम को हमने टेंट में आके पी चाय। शाम की चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए ट्रैकिंग के लिए। भगवान के जयकारे लगाते लगाते ये ट्रैकिंग भी हमने बहुत ही कम समय में पूरी कर ली और बहुत ही मज़ा आया। ट्रैकिंग के बाद हम लोग वापस आके डिनर करके सो गए थे। देन दिस इज द डे 4 मॉर्निंग वेयर वी आर अगेन टू डू आवर मॉर्निंग एक्सरसाइजेस। इस दिन की एक्टिविटी थी रिवर क्रॉसिंग, जो कि हार्नेस केबल की मदद से हम लोगों को एक एंड से दूसरे एंड तक जाना था। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा, बट फिर जैसे जैसे लोगों ने किया और उनका एक्सपीरियंस पूछा तो दे सेड इट्स वेरी स्मूथ एंड ईजी। नेक्स्ट एक्टिविटी वॉज पैरासेलिंग, जिसके लिए हम सब एकदम रेडी हो रहे थे। सबको कहीं ना कहीं डर लग रहा था, बट लेकिन दिस वॉज द बेस्ट एक्टिविटी दैट आई डिड इन दिस मिलिट्री ट्रेनिंग कैम्प। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ऑल द बेस्ट भाई, राधे राधे।
अगेन लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके इवनिंग में फिर से हम लोग ग्राउंड पे अपनी परेड की प्रैक्टिस के लिए। और ये हमारे सर हैं जिन्होंने हमें अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताए कि कैसे ये पहले आर्मी में थे एंड इन्होंने हमें यहाँ पे इतने अच्छे से गाइड एंड सपोर्ट किया और हमने सिर्फ इन्हीं की वजह से अपना एमटीसी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच सर। अगेन फॉलोइंग द सेम रूटीन एक्सरसाइजेस परेड प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। शाम हो चुकी थी और हो चुका था हमारा चाय का टाइम। तो ये कैंप में हमारी आखिरी शाम थी, बॉनफायर एंड डीजे नाइट, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हम सब ने इंजॉय किया। डांस करने के बाद हम लोगों ने किया डिनर, उसके बाद ये हमारी आखिरी रात थी इस मिलिट्री कैंप की। तो हम सब लोग अपने टेंट में बैठ के गेम खेल रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट करी। सब हाय कर दो। छोटा सा व्लॉग हमारे मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप का। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।